चौंक गए अंदर से देख के, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया हुआ है। थार गाड़ी में हमने ओरिजिनल स्टैनली के प्योर लेदर के सीट कवर इंस्टॉल किए हैं। मिस्टर विजय सर को थैंक यू, बहुत ही शौकिया आदमी हैं। खाली कार मेरे पास ड्राइवर के हाथों पहुंचाई, बोलते मुझे छः ही काम करने, सबसे पहले तो सीट कवर मुझे प्योर लेदर का करना है। तनवीर जी आप कर सकते हैं? मैं बोला बिल्कुल कर सकते हैं। वेंट्स लगानी है, हेडलाइट एंड टेल लाइट्स लगानी है, और थोड़े स्पीकर्स मेरे को अपग्रेड करने, लेकिन एक एक खाली फिटमेंट देखिए सीट कवर की, एक एक आप बकेटिंग देखिए। दोस्तों कैमरा ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकता है प्योर लेदर की, लेकिन प्योर लेदर है, और प्योर लेदर बाय स्टैनली उसकी कुछ बात कुछ और रहती है। हमने ये जो सीट कवर्स भी है, ओरिजिनल जो सीट कवर लग के आते थे उसे रिमूव करके ये डायरेक्टली सीट पे फॉर्मिंग पे इंस्टॉल होता है। फिटमेंट आप लोगों के सामने है, रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। फ्रंट में भी आर्मरेस्ट इंस्टॉल की है, रियर में भी मैंने आर्मरेस्ट इंस्टॉल की है विद द यूएसबी पोर्ट के साथ आती है। लेकिन आज वीडियो बनाने का पर्पस इंटरनल से ऐसा था कि हमने प्योर लेदर के भी थार नहीं है, हमारे पास क्रेटा के भी हैं, एटिका के भी हैं, क्रिस्टा के भी हैं, हर एक की अपनी चॉइसेस है। अगर प्योर लेदर चाहिए तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ आइए वीगाटो में और प्योर लेदर भी लगा के जाइए। वेंट्स एल्यूमिनेटेड हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं, लेकिन जो लाइव एटमॉस्फियर ये वेंट्स बनाते हैं इसकी कुछ बात कुछ और रहती है। हेडलाइट्स लगाई है, टेल लाइट्स लगाई है, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो थार भी खड़ी है, एक कंपैरिजन हो जाए, एक न्यू हेडलाइट इंट्रोड्यूस हुई है M5 की, जो हमने ग्रे कलर की कार में इंस्टॉल किया। ये तो रैंगलर स्टाइल हेडलाइट है, इसकी जो इंट्रोडक्शन है नियॉन ब्लू से होके वाइट DRL से स्टार्ट होती है। लो बीम हाई बीम आप परफेक्टली चेकआउट कर सकते हैं विद द इंडिकेटर के साथ। ये तो धमाल है ही हेडलाइट, इसकी तो कुछ बात ही और है। इसमें हमने ग्रिल भी चेंज की हुई है, इसमें रेगुलर महिंद्रा की ग्रिल लग के आती है, चेंज की है। ये गाड़ी को तो पूरा वीडियो आएगा, लेकिन एक जो है खास बात, ये कार एक्सक्लूसिव आई ही सिर्फ हेडलाइट के लिए है। ये M5 हेडलाइट है जो न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, ऑसम लाइट है, लो बीम हाई बीम बहुत बढ़िया है इसकी लाइट, लो बीम हाई बीम। अभी ये हमारा वर्कशॉप है, इसमें तो जस्टिफाई नहीं हो सकता है, लेकिन ये कस्टमर को सिर्फ लाइट ही चाहिए थी, तो हमने ये M5 की जो हेडलाइट है इनको सजेशन दी हुई है। ये कार में देखिए हमने ग्रिल चेंज नहीं की है, एक कंपेयर कर सकते हैं कि एक ग्रिल चेंज करने से भी स्टैंड आउट में कितना फर्क पड़ता है, लेकिन वो कार का तो वीडियो रॉकी बेज का फुल धमाल के साथ आप लोगों तक आए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेसरीज फॉर थार, जिससे लगाने से एक स्टैंड आउट आना चाहिए। फ्रंट प्रोफाइल में हमने ग्रिल रिप्लेस की है, हेडलाइट चेंज की है, सिर्फ दो चीजें दोस्तों, एक हेडलाइट और ग्रिल रिप्लेस करने के बाद स्टैंड आउट आप लोगों के सामने है। लो बीम हाई बीम परफेक्टली वर्क कर इंडिकेटर के साथ ये वाली जो है हेडलाइट्स आती है, राइट लेफ्ट, एंड फोक लैंप्स में हमने LEDs भी इंस्टॉल की हुई है। लेकिन दोस्तों एक हेडलाइट और ग्रिल आप लोगों के सामने है। साइड प्रोफाइल में हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर हमने हेडलाइट्स इंस्टॉल की है तो हमने टेल लाइट्स भी इंस्टॉल की है विद द मैट्रिक्स इंडिकेटर के साथ आती है। LED मोड्स हैं इसके अंदर और फैंटास्टिक है टेल लाइट्स। दोस्तों एक हेडलाइट और एक टेल लाइट चेंज करने से थार गाड़ी की कुछ बात ही कुछ और होती है। इंटीरियर में फ्रंट टू डोर्स की लेदर रैपिंग वर्क हमने किया है, वॉलनट कलर का इंटीरियर हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है, एम्बियन लाइटिंग भी की हुई है ये कार के अंदर। लेकिन जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द सीट कवर, हमने जो ये सीट कवर इंस्टॉल किए हैं वॉलनट सेंटर परफोरेशन विद ब्लैक के साथ, टू टोन सीट कवर हमने ये कार में इंस्टॉल किया है। सेंटर की आमरेश की भी आप फिटमेंट चेकआउट कर सकते हैं, रियर सीट की सीट कवर की फिटमेंट विद द रियर के आर्मरेस्ट है, विद द प्रॉपर बॉटल होल्डर के साथ आते हैं, विद द चार्जिंग पॉइंट के साथ आते हैं। स्टेयरिंग का लेदर रैप भी हमने ये कार के अंदर किया हुआ है। फुल कार में फ्लोरिंग डोर डिक्की एवरीथिंग डैम्पिंग भी हमने ये कार में की हुई है। एक सिंपल सोबर एलिगेंट मॉडिफिकेशन फॉर द थार,
पिछले थार के वीडियो में आपने काफ़ी सारा प्यार दिया है, वो थी माफिया एडिशन। लेकिन एक जो मुझे प्रेजेंट करना था, एक हेडलाइट, टेललाइट, ग्रिल और एक अच्छा सा इंटीरियर किस तरीके से हम करते हैं वो भी आप लोगों को बताना था। ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये थार की हमारी मॉडिफिकेशन आपको किस तरीके से लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।